Hello students, in this session we are going to learn exercise number 6.3, question number 7. The students of class 8 of school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यानी कि एक एक स्टूडेंट कितने रुपीस डोनेट कर रहा है जितने की उसकी क्लास में स्ट्रेंथ है. तो जब भी हमें कुछ भी फाइंड करना होता है तो हम उसे एक्स एज्यूम करेंगे. यहाँ पे भी हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स. टोटल डोनेशन हमारे पास है 2401. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू ईच स्टूडेंट डोनेशन हम करेंगे तभी हमें टोटल डोनेशन मिलेगा. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हमने एज्यूम किया है, दैट इज एक्स. एंड ईच स्टूडेंट डोनेशन भी हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक्स. बिकॉज बोथ वैल्यूज आर इक्वल, इज इक्वल टू 2401. एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401. ना स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ जाता है तो हो जाता है रूट. जैसे प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, वैसे स्क्वायर का हो जाएगा रूट. तो यहाँ पे हमें 2401 का रूट निकाला है. तो यहाँ पर हमने रूट निकाला है, इसके फैक्टर्स निकाले हैं. तो यहाँ पे पेयर बना लेंगे हम. सो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सेवन का फर्स्ट पेयर बनाया तो यहाँ पे हमें सेवन मिलेगा. सेकेंड पेयर बनाया, सेवन मिलेगा. सो सेवन सेवन जा 49. सो एक्स इज इक्वल टू हमें मिला है 49. यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो जाएंगे, 49. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट. क्वेश्चन नंबर 7 की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो, इसके जैसा ही है सेम. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स दैट इज 4, 9 एंड 10. तो इन तीनों का हम ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 9 एंड 10 का. एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या आते हैं, दैट इज 2 × 2 × 3 × 3 × 5. उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 180. नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो कैसे पता लगेगा, इसका हम पेयर बना लेंगे. तो फर्स्ट 2 का पेयर बना लिया, 3 का पेयर बना लिया, 5 का पेयर नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे 5 मिसिंग है. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, 5. सो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 180 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. हम 180 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. सो 185 जा 0 का 0 लिखेंगे हम, एंड 185 जा 90. तो आंसर क्या आएगा हमारा, 900. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो.